हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है संडे, आप लोग कैसे हो जरूर बताना। मैं हंस क्यों रहा हूँ पता, मैं देखो ये वाला पेट्रोल बंक के पास मैं आकर के वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आज़ाद भाई आने वाले थे, क्योंकि हम लोगों का प्लान है अभी बाहर जाने का और गाड़ी वगैरह टेस्ट करने का, और मार्थली एक म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम भी घूमने का। बट हमने डिसाइड किया था यहाँ पर मिलेंगे, बट भाई साहब कन्फ्यूज़ होकर के किसी और पेट्रोल बंक के पास में वेट कर रहे हैं और मैं ये वाली पेट्रोल बंक के पास वेट कर रहा हूँ, और वो करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी लोकेशन भेज दिया, वो फिर से आ रहे हैं। भाई 2-3 दिन पहले से बात कर रहे थे, भाई इस पेट्रोल बंक में मिलेंगे, बट उन्होंने कोई और पेट्रोल बंक समझ करके हाँ हाँ बोला, मैंने ये पेट्रोल बंक समझ करके हाँ हाँ बोला, और ऐसा हो गया। बट एनीवेज थोड़ा वेट कर लेते हैं, नहीं तो वॉक करके मैं जाता हूँ, और आपको बहुत मज़ा आएगा ये वाला व्लॉग में। और ढेरों सारी चीज़ आज करने वाले हैं, बहुत सारे गाड़ियों का टेस्ट करने वाले हैं, शोरूम जाने वाले हैं, और चलो पता चलेगा। तो भाई साहब अभी यहाँ पहुँच रहे ये रहे भाई, अरे आप वो पेट्रोल पंप समझे? हाँ मैं ये वाला पेट्रोल पंप समझ करके मैं यहाँ वेट कर रहा था भाई लोग। आज का मौसम जो है ना बहुत ही मस्त हो गया, सुबह से तो हल्का सा धूप था, बट अब देखो आसमान क्लोडी क्लोडी हल्का सा सनलाइट वगैरह है, भाई थोड़ा सा मीडिया पे हम लोग बैठे ना भाई, पीछे में बैठने में बहुत ही कम्फर्टेबल लग रहा है यार। पल्सर या फिर नॉर्मल गियर बाइक पे बैठे तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता, बट इसमें हाँ कंफर्टेबल है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, शॉक अच्छा। हाँ वही तो पता नहीं चल रहा है, जो हम्स वगैरह भी आ रहा है ना उसमें पता नहीं चल रहा है, हम्स वगैरह एकदम स्मूथ रन हो रहा है। और गाइस हम लोग जा रहे हैं ना अभी फिलहाल ऑफिस के लिए, क्योंकि कुछ सामान भूल गया था मैं कल पिक करने, और इसके बाद में हम जा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन, फिर उसके बाद में आईफोन को देखने जाएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। और जो प्लान मैंने पहले बताया तो शायद अगर वो होता है तो वो भी ये सब देख लेते हैं, बहुत डर लगता है सब देख करके पीछे तो मतलब। हाँ चलो आगे चलते हैं, मैं आपसे फिर बताता हूँ। तो देखो ये लेने के लिए बस ऑफिस के पास आए, तो अगर हम जो है ना पहुँच गए पहले चार्जिंग स्टेशन, तो गाड़ी को पहले चार्ज कर लेते हैं, और चार्जिंग वाला स्टेशन वहाँ पे है, तो उसके लिए भी एक हमने जो है ना राइड एक्सपीरियंस का वीडियो शूट करा था जो कि अच्छा है, और दूसरा जो है ना चार्जिंग वाला वीडियो अभी शूट करेंगे, एंड एक्सपीरियंस वगैरह मैं आपके साथ में भी शेयर करता हूँ। पहले वहाँ चलते हैं, ये रहा चार्जिंग। अच्छा ये वाला चार्जिंग स्टेशन है, तो ऐसे ये देखो भाई वीडा का, ये देखो पेट्रोल बंक है यहाँ पे बगल में, और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन, और इसमें पावर नहीं है, ये बंद उन करके रखे होंगे भाई साहब, पोपट हो रहा है यहाँ पे, और कोई नहीं है, एक ही है, ये भी बंद लग रहा है बस। ये है चार्जिंग स्टेशन, हम आए और यहाँ पे जो ना पावर नहीं दिख रहा है भाई, ये तो थोड़ा पोपट हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब हमारा जो है ना पोपट हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, हम लोग जो है देखो आए स्टेशन पे, बट यहाँ पे जो ना काम ही नहीं कर रहा है। 10-15 मिनट कस्टमर केयर के साथ में भी बात किया, बट कोई सोल्यूशन नहीं मिला, जिसका डिटेल्ड वीडियो हमने जो है ना दूसरे चैनल के लिए बना के डाल देंगे। एंड इसके अलावा अभी हम जा रहे हैं अब दूसरे जगह, भाई प्लान तो ये था कि यहाँ पे जो है ना चार्जिंग डालेंगे, और यहीं पे जो है ना मॉल है और वहाँ जाएंगे हम लोग आईफोन देखेंगे करके, और आज़ाद भाई को क्योंकि आईफोन खरीदना था तो आईफोन चेक कर लेंगे, बट यहाँ पे भाई देखो ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। अब जा रहे हैं भाई दूसरी जगह, वहाँ भी है ना शॉप, बट क्रोमा है वहाँ पे, ओके क्रोमा अगर मिल गया देखते हैं, क्योंकि पिछली बार जो हमने लिया था ना आईफोन 13 तो क्रोमा से ही लिया था, तो इस बार भी चेक करते हैं। बाकी गाइस भाई देखो दिन का स्टार्ट ही हुआ है पोपट होने के साथ में, अब देखते हैं आगे और क्या होता है। अभी देखो हमारी रेंज जो है ना 15 किलोमीटर बता रहा है, और सोचो कोई इंसान मतलब आसपास में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तो उसका क्या हाल होगा भाई, तो इसलिए भाई लंबा चौड़ा मैंने वीडियो बना दिया है, उसको पोस्ट करूंगा भाई। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है, एंड एज यूजुअल गाइस यहाँ पे हमें ट्रैफिक देखने को मिल रहा है भाई। ये देखो अचानक से हमें जो ना भाई फेरारी मिल गया भाई, इस रोड पे देखो भाई फेरारी गाड़ी मिल गया भाई, रेड कलर का खतरनाक गाड़ी है, किस तरह से ये दिख रहा है। जो भी अंदर में बंदा होगा ना बंदा करोड़पति होगा, क्या बोलते हो भाई, क्या लुक है इसकी ये सब। डिजाइन बनाया है ना एकदम
रोड पे सोया हुआ जैसा है। और भाई ट्रैफिक देखो, तुम्हारे पास 1 करोड़ की गाड़ी हो या 1 लाख रुपए की गाड़ी, पूरा जो है ना ऐसा ही ट्रैफिक में झेलना होता है। भाई नंबर प्लेट देखो इसका कहाँ पे लिखा हुआ है। भाई साहब गाड़ी मस्त है, गाड़ी भाई लकी लोग हैं। हाँ उनको भी खुशी आता होगा, इसको एक फैन दे देता हूँ। तो भाई गई फेरारी, देखो फेरारी से ज्यादा तेज तो हम चल रहे हैं भाई, बोलो। करोड़ों की गाड़ी पीछे है और भाई हमारी गाड़ी आगे है। तो ऐसा सीनियर भी देखो भाई, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ की गाड़ी हो या 10 करोड़ की या 1 लाख रुपए की, भाई चलना रोड पे ही है और चलना इसी ट्रैफिक के साथ ही है। देखो भाई हमारे पीछे ना फेरारी फिर से आ रही है। जाओ जाओ उसी के पीछे जाओ, सब फिल्मिंग कर ले रहे हैं। भाई क्या तगड़ा दिख रहा है इधर रोड पे। सीरियसली पूरे क्राउड में ना पूरा डिफरेंस दिख जा रहा है। गाइस ये है फेरारी। तो गाइस वो फेरारी जो है हमसे थोड़े आगे चले गई है, एक शॉट मैंने रिकॉर्ड किया, बट अभी ये रहा फेरारी। भाई आप लोग क्या कहते हो, कभी इस फेरारी को लाइफ में मरने से पहले चलाया जाए, बोलो। कभी फ्यूचर में चलाएंगे जरूर फेरारी को। नहीं है, हाँ ये हम्स वगैरह के लिए नहीं है गाड़ी, फ्यूचर में ऐसा हम फेरारी नहीं दिख रही है। चलो हम अपना कार्यक्रम आगे शुरू करते हैं आगे। तो गाइस हम चलते चलते आ गए अपने मंजिल के पास में, और हमारे पीछे जो फेरारी आ रही थी वो पीछे ही है भाई, कुछ आगे आई फिर उसके बाद फिर पीछे चले जाते हैं फेरारी। यार फेरारी बोलो यार, चलाना चाहिए फेरारी। अभी तो देखो अपने बस की बात नहीं है, बट हाँ मरने से पहले जरूर चलाना चाहूँगा एक बार तो फेरारी को। बहुत बचपन से देखते आया है इस गाड़ी को। और आप लोग क्या कहते हो नीचे कॉमेंट डाउन में बताना। तो गाइस दूसरा वाला चार्जिंग स्टेशन जो है ना यहाँ पे है इस वेगा सिटी मॉल में। पिछली बार हमने जो है ना यहाँ पे 4DX मूवी भी देखा था, तो इसी जगह पे हम लोगों ने देखा था मूवी यहाँ पे। और फिलहाल यही चार्जिंग स्टेशन के लिए जा रहे हैं। और भाई फेरारी का नामो निशान नहीं दिख रहा है, अब देखते हैं यहाँ वाला चार्जिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो एनी विच वे गाइस हमारा चार्जिंग का सफर चलते चलते अभी जा रहे हैं हम लोग एक और मॉल जो कि है गोपालन मॉल, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। इसके पहले इन्होंने यहाँ पे चार्ज कराया है आज़ाद भाई ने, तो भाई यहाँ पे इशू नहीं होना चाहिए। बट पुराना वाला मॉल पे जो ना बहुत गंदा इशू हुआ भाई, मतलब उन्होंने भाई वहाँ पे चार्जिंग लगा। मैं आगे जा करके बताता हूँ, रुको वो वीडियो, क्योंकि ना जो मैंने शूट किया था ना वो दूसरे चैनल पे जाएंगे भाई। चैनल का सीरियसली वीडा ब्रांड वालों का रिव्यू चैनल पे वीडियो जाएंगे। अब यहाँ पे अभी आए हैं, देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो एक और जो है ना ये गोपालन मॉल है, अगेन बनरघट्टा रोड पे है। तो यहाँ पे एक और चार्जिंग स्टेशन दिया गया है, तो हम लोग जो है ना अब इस वाले चार्जिंग स्टेशन पे आए हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या झोल है भाई। तो भाई यहाँ पे जो है ना क्लियरली बोल दिया कि भाई टिकट की जरूरत नहीं है, और ये रहा चार्जिंग। एंड यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से लाइटिंग आता है, तो भाई
ये वाला मॉल में जो ना बढ़िया है, यहाँ पे हमें चार्जिंग मिल जा रहा है, यहाँ पे दो दो चार्जिंग स्टेशन है, तो हम भाई चार्जिंग लगाते हैं और आपको बाद में वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं क्या हुआ। हमें जो है ना एक चार्जिंग वाला रिकॉर्ड करना है। तीन बार लॉग इन किया मैं, हाँ बार बार लॉग आउट क्यों हो जाएगा? देखो भाई ये ऐप का भी इशू चल रहा है, बट एनी वेज होता है। तो हुआ था क्या, हम लोग गए थे वहाँ पे, उस तरफ था वेगा सिटी मॉल, तो वहाँ पे भाई अंदर में स्टाफ लोगों ने भाई पहले तो अच्छे से बात नहीं किया है ना, बहुत चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे वो लोग। तो भाई पहले तो चिल्ला करके बात कर रहे थे भाई ऐसा नहीं होगा, एंट्री नहीं देंगे और चार्ज आपको जो है पैसे देना ही पड़ेगा। तो हमने भाई सीधा छोड़ छाड़ करके वहां से आ गया। इतना बैड एक्सपीरियंस रहा चार्जिंग का वेगा सिटी मॉल के अंदर में। एंड जगह पे लोगों को चार्ज लगाने नहीं, हाँ यार सीरियसली अगर ब्रांड वाले हो ना भाई तो चार्ज मत ही लगाओ यार, क्यों लगा रहे हो मॉल के अंदर में, जब जाकर के भाई तुम्हें चार्जिंग के लिए भाई एक घंटे के लिए भाई 30 रुपए देना पड़े, गजब है। अब एनी विच अब देखते हैं गाइस आगे अपना सफर कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे पहुंच के अब यहाँ पे जो है कंटिन्यू करते हैं, देखते क्या होता है। गाइस गेस व्हाट, हमारे साथ एक और पॉपअप हो गया है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो ना चार्जिंग स्टेशन काम नहीं कर रहा था, दूसरे जगह गए हम लोग मॉल में तो वहाँ से पैसा मांगा जा रहा था जो कि नहीं मांगना चाहिए, तीसरा जगह यहाँ पे आए सब चीज काम कर रहा था, अब यहाँ पे जो अब इनका मोबाइल एप्लीकेशन ही लॉक्ड आउट हो गया, वहाँ पे काम कर रहा था, यहाँ पे जब भी हम कनेक्ट करने के लिए सोचे तो भाई एप्लीकेशन ही लॉग आउट हो गया, उसके बाद में लॉग इन ही नहीं लिया जा रहा, और एक मोबाइल में नहीं दूसरे मोबाइल में भी लॉग्ड इन था, सोचा वहाँ उससे कर लें भाई उसमें भी लॉग इन नहीं हो रहा। कस्टमर केयर को बात किए तो बोल रहे हैं सर हमारा ऐप इशू चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते भाई। बहुत यार मतलब पिछले एक डेढ़ घंटा ना, डेढ़ घंटा हो गया और डेढ़ घंटा पूरा बर्बाद सिर्फ चार्जिंग के चक्कर में। तो भाई वीडा का एक्सपीरियंस, इसके ऊपर जो ना हमारा डेडिकेटेड चैनल है गाइस, उसके ऊपर जो है भरपूर इन सभी चीज़ों का डिटेल्ड में हमने वीडियोस वगैरह बना करके पोस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, अगर आपको चेकआउट करना है तो भाई आज से 10 दिन 7 या 8 दिन पुरानी वाली मेरी वीडियो सुमन अनबॉक्स चैनल पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉग जो शूट कर रहा हूँ आपको थोड़ा डिले में चलता है, 7-8 दिन हफ्ते दिन डिले चलता है, बाकी जो ये वाला सीन वगैरह जो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इमीडिएटली 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी भाई देखते हैं, हमारे आज़ाद भाई भी फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे हम लोग क्या क्या प्लान निकाल के रखे थे, बट ऐसे सभी दिक्कत आ गया, अब फ्यूचर में देखते हैं क्या होने वाला है, फिलहाल कॉल पर लगे हुए देखते हैं कुछ सोल्यूशन बनता है कि नहीं। तो भाई साहब फाइनली हमारे साथ यहाँ भी पोपट हो चुका है, अब यहाँ पर जो है ना चार्जिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पोर्ट है ये तो काम कर रहा है बट मोबाइल एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा है, और ये गाड़ी बिना मोबाइल एप्लीकेशन का चार्ज होगा नहीं और मोबाइल लॉगिन नहीं हो रहा है। कस्टमर केयर से बात किया, उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि भाई जो केबल से चार्ज करते हैं उसको आप जो है ना उस वाले सॉकेट में डालो, बट अनफॉर्चुनेटली जो सॉकेट का केबल प्लग जो आता है 3 सिस्टम प्लग होता है जो इंडियन प्लग सिस्टम है, बट यहाँ पे पता नहीं कौन से मार्स वाले का सिस्टम दे दिया ना, ये शायद अर्थ का नहीं है, ये कोई मार्स वर्स के मतलब एकदम फ्यूचरिस्टिक वीडा वाले सोच रहे हैं कि भाई एकदम मार्स पे लगाएंगे तो एकदम इनको देखो मैं सॉकेट दिखाता हूँ भाई, ये कौन से प्लैनेट का सॉकेट है भाई, ऐसा सॉकेट दे दिया है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लंबे चौड़े वीडियो बना दिया है, उस वाले चैनल पे डाल देंगे, बाकी गाइस आप लोगों के साथ में हम अपना दुखद यात्रा शेयर कर रहे हैं, हमने वादा किया था कि आपको बहुत जगह जा करके कुछ और अच्छे अच्छे व्लॉग बना के दिखाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अब इश्यू को हमें झेलना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या सोल्यूशन आता है। भाई साहब हमारे साथ कमाल धमाल धमाल हो रहा है, अब लोग अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि भाई गाड़ी को टो करके लेके जाना पड़ेगा और टोइंग सर्विसेज ब्रांड को ही देना पड़ेगा, बट अब बात चल रहा है कि भाई अब कैसे होगा, कितने बजे होगा, क्या किया जाए भाई, बहुत बड़ा झोल मोल में फंस गए आज तो भाई, आज गया गया आज का ब्लॉग में और कुछ नहीं दिखेगा, बस यही लगे हुए आज का ब्लॉग में बस यही चलेगा, इतना इशू रहेगा, अब कुछ नहीं दिखा पाऊंगा, दिमाग खराब हो गया। तो गैस फाइनली गाड़ी को टो करना ही पड़ा, एंड हमने सिक्योरिटी साहब से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि हमको कुछ आइडिया नहीं है और ऐसा सभी है, फिलहाल जो है ना अब टोइंग के लिए काम किया जा रहा है, गाड़ी को टो करके लेके जाना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी का बैटरी खत्म हो चुका है, क्योंकि क्या देखो गाड़ी में थोड़ी बैटरी तो थी हम लोग, क्योंकि वो स्टेशन पे गए फिर वहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा था, फिर दूसरे जगह पे गए वहाँ भी दिक्कत हुआ, वहाँ से फिर आकर के यहाँ है, इतने बीच में जो भी करीबन 20 किलोमीटर का नहीं 15-16 या 15-20 किलोमीटर का ऐसे का जो रेंज था वो भी ख़त्म हो चुका है, अब 2-3 किलोमीटर का रेंज है, पता चले हम लोग यहाँ रोड पे निकले और रोड पे बंद हो, इसलिए बढ़िया हमने बोला यहीं पे रुकते हैं और कस्टमर केयर को कॉल कर दिया और वो लोग जो है ना गाड़ी भेजेंगे टो करके लेके जाएंगे भाई का, खतरनाक सीन। तो भाई साहब फाइनल हमने डिसाइड किया भाई गाड़ी में 10% का हाँ, तो वो लोग जो है ना टो वाले गाड़ी भेज रहे हैं और हमारे गाड़ी में 10% बचा है, तो हमारे
पास में एक सोल्यूशन है, हम लोग सोच रहे हैं कि वहां जा कर के जाएं भाई और वहां जा कर के कुछ अपना सोल्यूशन, क्योंकि पता ही नहीं अभी ये लोग कितनी देर तक आएंगे, कितना लेट करेंगे, नो आइडिया। तो हम लोग बस यहां से ऐसे ही निकल रहे हैं भाई, मतलब ना बहुत गंदा एक्सपीरियंस आज रहा भाई। और मोबाइल ऐप लॉगिन नहीं हुआ वहाँ, यहाँ एक बार ट्राई करके देखो, लास्ट बार ट्राई करके देखो, नहीं तो मेरे मोबाइल में डाल के ट्राई करना चाहोगे, इस वाले फोन में? चलो वैसे अपने फोन में ट्राई करके देखते। तो भाई साहब आप भगवान भरोसे बस पहुंच जाएं। अगर बैटरी का परसेंटेज दिखाएं तो भाई रेंज हमें जो है ना 10 से 12 किलोमीटर इको मोड में रेंज दिखा रहा है, और हमारा आसपास में एक ऑफिस है तो उस ऑफिस में चलते हैं, सोच रहे हैं वहीं पे जाकर के आप चार्ज करेंगे, क्योंकि देखो आप पूरा प्लान तो भाई चौपट हो ही चुका है यहाँ पे। और देखो ये वाला मॉल के पास आए हम लोग, ये रहा गोपालन मॉल, और यहाँ से हम लोग जो है ना क्रॉस करके आप जा रहे हैं भाई। इतना सारा झंझट आज, मतलब पूरा दिन ही गया, अब पता नहीं क्या होगा भाई। देखो इतना इश्यू, हम लोग करीबन यार पता है एक साइड में कितना किलोमीटर हो गया होगा, हम लोग नहीं कुछ तो एक 10-15 किलोमीटर आ गए, वहाँ गया यहाँ गया, फिर यानी भाई 20-25 किलोमीटर तो ये में ही वेस्ट हो रहा है भाई, गजब का सीन है। चलो अब चलते हैं घर, गए घर तो नहीं, हाँ ऑफिस जा करके ना, ऑफिस में जा करके चार्ज लगाएंगे थोड़ा देर, फिर देखते हैं क्या करना होगा। हम जो है ना ऑफिस पहुंच चुके हैं गाइस, यहाँ पे हमने चार्जिंग वगैरह लगा दिया भाई, बहुत झोल मोल, क्योंकि गाड़ी नहीं तो रास्ते में ही बंद हो जाती भाई, उसके बाद में टो वो करने का बहुत बड़ा सीन, तो हमने अभी बंद कर लिया। बट मैं आया हूँ अगेन बाहर, यहाँ पे जो है ना अपना ये भूल गया था, देखो इसको हम जैसे, अरे यार मैं भूल ही गया कौन सा, इसको दबाएंगे तो भाई सीट भाई अनलॉक नहीं हो रहा है, ये अनलॉक कर लिया। यहाँ पे हमने कहाँ रखा था भाई, ये पावर बैंक ले लेते हैं ताकि मोबाइल चार्ज किया जाए। चलो ये भी लॉक हो गया। तो भाई हमने ना बहुत सारा झोलमाल देख लिया भाई, फाइनली आए ऑफिस में, यार दोपहर को निकले थे, अब शाम होने का है, बैटरी को भाई एक घंटा यहाँ पे चार्ज में डालेंगे, फिर यहाँ से फिर निकलेंगे भाई जाएंगे। आप देखो जो मैंने आपको म्यूजियम वाला सीन वगैरह बताया ना, तो वो तो अब नहीं होने को रहा, क्योंकि टाइम लेट हो गया और गाड़ी के चक्कर में भाई इतना दिक्कत हो गया। बाकी मल्टीपल एक्सपीरियंस किए, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक घंटा यहाँ पे चार्ज होने देते हैं चीज़ों को, और उसके बाद में जो कार्यक्रम रहेगा आपको मैं बताऊँगा। तो गाइस फिलहाल जो है ना अभी वेट ही कर रहे हैं, ये थोड़ा चार्ज हो जाए तभी गाड़ी को आप कहीं लेके जा सकते हैं भाई। आज का पूरा प्लान गया, हम सोचे घूमेंगे फिरेंगे भाई पोपट। एनीवेज अब चार्ज पे लगाए, देखो वहीं पे चार्ज हो रहा है ये वाला, और पावर पे चार्ज कनेक्ट करने डाले हैं, चार्ज होने के बाद में देखेंगे क्या करना है भाई, थक गए ऊपर से। तो गाइस फाइनली जो है ना सेकेंड लाइट ब्लिंक करने लगा, मतलब 25% ऑलमोस्ट 30% जो है इस पे चार्जिंग हो गई। तो हमने प्लान किया है कि ये वाला बैटरी को लेके जाके गाड़ी में डालेंगे और दूसरी वाली बैटरी लेके आ जाएंगे और उसको चार्ज पे डाल देंगे, और फिर हम लोग जाएंगे घूम फिर के आएंगे, तब तक ये चार्ज होता रहेगा, फिर आने के बाद में इसको डालेंगे। तो अब चलते हैं गाइस, यहाँ से हम मीनाक्षी मॉल का प्लान दिया है, वहाँ पे आईफोन वगैरह देखेंगे और देखते हैं काम कंटिन्यू, और बारिश वरिश भी आने का मौसम लग रहा है, बट चलो घूम फिर के आएंगे देखते हैं। ओके वेल वेल गाइस, फाइनली जाकर के हम लोग बाहर आ चुके भाई, अब सुकून मिल रहा है, पूरा हवा ताज़ा ताज़ा, और वेदर देखो यार, कभी अच्छा खासा धूप का पूरा था बट अब शाम हो गया, अभी